प्यारे बच्चों, मैं आज आपको स्ट्रेट लाइन का जो क्लास 11th सिलेबस में है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बता रहा हूँ। जेई मेन में 2015 में आया था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये थिंकिंग स्किल वाला है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें कोई फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्ड्स 0, 0, 0, 41 एंड 41, 0। ऑप्शन है 861, 820, 780 एंड 901। इसमें वैसे देखा जाए स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है लग रहा है, लेकिन इसमें फार्मूला एपी का लगेगा। आप देखिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिनिमम 50 से 60% क्वेश्चन मिनिमम जो रहते हैं जेई वाले, वो हिट एंड ट्रायल वेस्ट से आ जाते हैं, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस क्वेश्चन में हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, जैसा ही जैसा क्वेश्चन दिया है उसी तरह से हम फिगर बनाएंगे और फिगर से हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ओ ए बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 41, 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 0, 41 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ 0, 0। जिस ट्रायंगल की बात क्वेश्चन कर रहा है वो ट्रायंगल है ओ ए बी। ओ ए बी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 41। वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर जितने सारे पॉइंट हैं, वैसे तो पॉइंट्स की बात करें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इंटीग्रल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ इंटीग्रल पॉइंट्स की बात की जा रही है। इस लाइन के अंदर रहेगा, एक्स एक्सिस के एबव रहेगा, वाई एक्सिस मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारी की सारी चीज़ें लाई करेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट नेगेटिव, कोई भी पॉइंट हमारा नेगेटिव नहीं होगा। अब चलिए इसको हम देखते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, लेट कोऑर्डिनेट बी एक्स वाई, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। अब यहाँ पर नेगेटिव तो होगा नहीं, इंटीग्रल है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, वन से स्टार्ट होगी। वन, अगर एक्स हमारा वन है तो वाई कितना हो जाएगा, 39, उसका सम 41 से लेस होना चाहिए। एक्स प्लस वाई इज लेस देन 41, ऐसा भी कर सकते हैं, 0 इज लेस देन एक्स प्लस वाई इज लेस देन 41। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाइए, ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 से 41 के बीच में होगी, तो मिनिमम वैल्यू एक्स क्या हो जाना चाहिए, 1। उस कंडीशन में वाई 39 भी हो सकता है, अगर ये 2 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 38, 3, 37 अप टू सो ऑन 1, then it is 39 and in this case value of y is 1. अब पॉइंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से पॉइंट हमारा एसोसिएशन 1 का किसके साथ हो सकता है। पॉइंट्स 1, 39, 2, 1, 38 भी हो सकता है, 1, 37 भी जा सकता है, 1, 36 भी जा सकता है, और लास्ट में 1, 1 भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं। तो 1 पॉइंट का एसोसिएशन कितने के साथ हो जाएगा, 1 का 39, 38 सारे नंबर्स के साथ हो सकता है,
पॉसिबल पॉइंट्स 39 से एसोसिएशन हो सकता है वन पॉइंट का। फिर इसी तरह टू का एक जो 39 में से किसी एक पॉइंट से हो चुका है कॉम्बिनेशन उसका, सेकंड पॉइंट का रिमेनिंग पॉइंट्स जो 38 बचेंगे उससे हो जाएगा। तो 39 प्लस 38 प्लस 37 अप टू सो ऑन प्लस लास्ट वाला जो पॉइंट बचेगा उसका वन से ही एसोसिएशन केवल होगा। तो इन सब का सम अब ये हमारी जो सीरीज बन गई है ये एपी बन गई है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी के सम का फार्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे एन अपॉन टू ए प्लस एल, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और नंबर ऑफ टर्म टोटल इसमें है 39 इज इक्वल टू 39 अपॉन टू फर्स्ट टर्म 39 लास्ट टर्म 1, दिस इज इक्वल टू 39 अपॉन टू इंटू 40 दैट इज 780। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।